5 बज गए हैं और ये राजू का बच्चा अभी तक नहीं आया। तुमने पुकारा और हम चले आए। क्यों सार, स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे सार, स्वागत तो करो हमारा। अबे ओ सलमान खान के बच्चे, ज्यादा दबंग बन रहा है क्या? सार, सलमान खान का बच्चा मत बनो, लोग खाम खा मेरी मम्मी पे शक करेंगे यार। क्या? मेरा मतलब है कि मैं सलमान खान का बच्चा कैसे हो सकता हूँ सार? सलमान खान तो कुंवारा है अभी तक, और बच्चे तो शादी होने के बाद ही पैदा होते हैं ना सार। कभी कभी बिना शादी के भी बच्चे पैदा हो जाया करते हैं। हाँ, आपको देखकर तो यही लगता है। क्या बोला बे? मैंने कहा अपनी बात छोड़िए सार, और ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुझे प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए बुलाया। अरे यार, स्कूल में पूरा दिन तो दिमाग चाटते ही हो हमारा, अब शाम को तो छोड़ दो। बच्चे खेलेंगे कूदेंगे कब? राजू बेटा, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये आउटडेटेड शायरी मत सुनाओ सार। एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में ट्यूशन का धंधा खोल रखा है आपने, लालची कहीं के। अबे ओ राजधानी ट्रेन, रुक जा, बोलता ही जा रहा है। ये ट्यूशन तेरी मम्मी ने लगवाया है, कह रही थी कि राजू स्कूल से आता है तो जरा सा भी नहीं पढ़ता, बाकी का सारा दिन खेलता कूदता रहता है, इसीलिए शाम को रोज 1 घंटा मैं ट्यूशन पढ़ा दूं तुझे, ऐसा कह रही थी तेरी मम्मी। उफ, ये मम्मी भी ना, इतना पढ़ लिख कर पता नहीं मैं क्या उखाड़ लूंगा। अबे ओ कालिदास, पढ़ ले, अगले महीने से स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? सर, पास तो मैं हो जाऊंगा फुल मार्क्स के साथ, और वो भी बिना पढ़े लिखे। अच्छा, तुझे क्या अलादीन का चिराग मिल गया है क्या, जिसे रगड़ने से जिन निकलेगा और तुझे ऐसे ही पास करा देगा? अलादीन के चिराग की क्या जरूरत है, आप है ना, मैं आपको ही रगड़ूंगा तो आप ही मुझे पास करा देंगे। अच्छा, वो कैसे? वो है थे कि कल मैं चौक बाजार पर फूड प्लाजा में समोसे खा रहा था, तो उसी समय मैंने आपको दूसरी टेबल पर लाली मैडम को अपने हाथों से जलेबी खिलाते हुए देख लिया था सर। फिर क्या था, मैंने अपने 24 मेगापिक्सल वाले मोबाइल फोन से आप दोनों की 10-12 फोटो खींच ली सर। क्या मस्त फोटोज आए हैं सर, क्या प्यार से आप लाली मैडम को अपने हाथों से गर्मा गर्म जलेबियां खिला रहे हैं सर। अब आप खुद ही समझदार हैं और शादीशुदा भी हैं, देख लीजिए आगे क्या करना है। क्या करना है? या तो आप मुझे एग्जाम में फुल मार्क्स के साथ करेंगे पास, नहीं तो आपकी बीवी के सामने कर दूंगा आपका पर्दाफाश।